वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी कहती है कि कंपनी में निवेश मत करो, कंपनी के बिजनेस में निवेश करो और सही दाम पर सही वैल्यूएशन में उसमें बाइंग करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे ग्राहम नंबर और इंट्रिंसिक वैल्यू की सारी जानकारी और जानेंगे कि कैसे हम फेयर वैल्यू और ट्रू वैल्यू पता लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट प्राइस 461 रुपए के आसपास है इस शेयर का, लेकिन क्या ये सही वैल्यूएशन पे है अपने। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट के पीछे छुपी होती है उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ और उसके एक्चुअल फंडामेंटल्स और साथ ही साथ उसका जो बिजनेस का ग्रोथ होता है फ्यूचर में वो भी। तो एज ए रिटेल निवेशक हमें एक्चुअल वैल्यू पता करनी होती है और एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे कि भाई ग्राहम नंबर क्या है और ग्राहम नंबर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने निवेश में। तो ठीक है दोस्तों, पहले तो समझ लेते हैं कि भाई ग्राहम नंबर क्या होता है और ग्राहम नंबर और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आगे हम इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं कि भाई ग्राहम नंबर एक्चुअल में क्या होता है और कैसे हम ग्राहम नंबर को एक्चुअल में फिगर आउट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी का। ठीक है दोस्तों, तो जो ग्राहम नंबर होता है दोस्तों वो किसी भी स्टॉक की फेयर वैल्यू निकालता है। तो फेयर वैल्यू कहने का मतलब है कि भाई ये जो स्टॉक का प्राइस है इस पे मैं अगर बाइंग करूं तो एज अ वैल्यू निवेशक क्या मुझे इसमें एक वैल्यू मिलेगी या नहीं, तो ये एक्चुअल वैल्यूएशन पता करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो ग्राहम नंबर का फॉर्मूला है आप यहाँ पे देखिए, अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं 22.5 से और उसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे 22.5 क्या है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, भाई 22.5 है क्या ये? तो ग्राहम जी की थ्योरी है इसलिए इसका नाम है ग्राहम नंबर। तो ग्राहम जी हमारे बहुत बड़े इन्वेस्टर थे 1970s में और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें ये फॉर्मूला उन्होंने बताया था कि भाई इस फॉर्मूले से आप एक्चुअल फेयर वैल्यू पता कर सकते हो। और उन्होंने ये कहा था कि भाई जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये जो है 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक का, और प्राइस टू बुक रेशियो जो है 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या इन्होंने निकाला भाई कि 15 × 1.5 अगर आप करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है इसको हम कंसीडर करते हैं ग्राहम नंबर की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टॉक का पी आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे ओवर वैल्यू नजर आ रहा है, इसका पी जो है वो 25 है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और भाई जो करेंट प्राइस है 461 इस पे हम निकालने की कोशिश करते हैं इसका ग्राहम नंबर। तो ग्राहम नंबर यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक फेयर वैल्यू हमें देगा इस स्टॉक का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 22.5 मल्टीप्लाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, यहाँ पे देखिए तो 331 रुपए का बुक वैल्यू है, 331.11, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अर्निंग पर शेयर से, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 19.57। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वैल्यू आती है इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे आपके पास निकल के आ रही है 381.83, ये है इसका ग्राहम नंबर। तो ग्राहम नंबर क्या है इसका 381.83। तो ये अगर स्टॉक का प्राइस 381.83 पे मुझे मिलता है तो मैं मानूंगा कि भाई बेस्ट वैल्यूएशन मुझे मिल रही है और बेस्ट प्राइस मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बुक वैल्यू हमने इस्तेमाल किया था 331 और अर्निंग पर शेयर यहाँ पे इस्तेमाल किया था हमने 19.57। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये जो फेयर वैल्यू इसका निकल के आता है 381 के आसपास निकल के आता है। तो यानी कि अगर ये स्टॉक मुझे 381 के आसपास मिलता है तो मुझे इसमें दबा के बाइंग करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर 461 पे ये मिल रहा है तो क्या इसमें मुझे बाइंग नहीं करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 461 पे आपको ये देखना चाहिए कि भाई इसके जो ओवरऑल टेक्निकल्स हैं वो क्या कहते हैं और साथ ही साथ जो इसका ग्रोथ वगैरह है आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आप देख सकते हैं कि भाई सेल्स ग्रोथ वगैरह क्या कहती है इसके बारे में और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं दोस्तों जो कि हम अपनी वीडियोज में यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि भाई ग्राहम नंबर एक्चुअल में क्या होता है और ग्राहम नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी शेयर का। तो दोस्तों आप एक छोटा सा काम कीजिए, किसी भी एक अच्छे से स्टॉक का ग्राहम नंबर निकालिए और कमेंट में नीचे बिलो करके कमेंट बताइए कि भाई आपने कौन से शेयर का ग्राहम नंबर कैलकुलेट करके निकाला है। ठीक है,
अब यहाँ पे तो हो गया भाई ग्राहम नंबर, जो कि हमें बताता है कि फेयर वैल्यू क्या है किसी भी स्टॉक का। ठीक है दोस्तों, अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है किसी भी शेयर की। तो इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि सच्चा वैल्यू, सच्ची वैल्यू, मतलब फंडामेंटल वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द मार्केट वैल्यू। तो जो मार्केट का वैल्यू हमारा वो है 461, लेकिन एक्चुअल जो फंडामेंटल्स इसके हैं और आने वाले समय में क्या ग्रोथ रेट इसके बन रहे हैं, तो एक्चुअल में जो फंडामेंटल वैल्यू निकालते हैं हम वो होती है ट्रू वैल्यू, और वो हमारी होती है इंट्रेंसिक वैल्यू। तो जो एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है दोस्तों, वो हमेशा इंट्रेंसिक वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी स्टॉक में। और जो हमारे डिफेंसिव टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, डिफेंसिव टाइप के, वो करते हैं ग्राहम नंबर का इस्तेमाल। तो यहाँ पे हम इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें ग्राहम जी ने एक फॉर्मूला दे रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला। इसको आपको डिटेल में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि हम कहते हैं अपनी वीडियो में भाई, आपको कोई एग्ज़ाम तो यहाँ पे पास नहीं करना है, तो आपको ये सब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए कि भाई ये चीज़ें हैं क्या इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ग्रोथ रेट जो होता है, नॉर्मली हम सेल्स ग्रोथ रेट लेते हैं, और ये सेल्स ग्रोथ रेट हम पिछले 5 या 7 साल का जनरली लेते हैं। यहाँ पे हम 12 के आसपास इस स्टॉक के लिए सेल्स ग्रोथ रेट लेंगे, और साथ ही साथ ये जो वैल्यूज देख रहे हैं आप यहाँ पे 8, 1.5 और 7, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये जो 8.5 ये देख रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यू है, ये है पीई फॉर नो ग्रोथ कंपनी। ठीक है, तो ये पीई रेशियो होता है कि भाई जो कंपनी हम मानते हैं कि भाई उस कंपनी का पीई जो है हम कंसीडर करते हैं 8, लेकिन ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो ये वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे 7 होती है। और साथ ही साथ ये जो दो यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ये दोस्तों क्या होता है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द ग्रोथ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि भाई आज कोई भी शेयर है उसकी सेल्स ग्रोथ रेट जो है 10% है, तो अगले 5 से 10 साल में उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, यानी टू कहने का मतलब इसका ग्रोथ रेट जो है आज के 10 साल बाद 20% हो जाएगा। तो हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में 20% ग्रोथ रेट बहुत ही कम देखा है और देखा भी नहीं गया है, तो हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसको लेंगे 1.5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो 4.4 आप देख रहे हैं ये क्या है, इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग ऑन हाई ग्रेड बॉन्ड्स। तो जो बॉन्ड्स होती है दोस्तों, जो उसका जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बाहर की कंपनियों में, बाहर के देशों में होता है 4.5, और हमारे इंडिया में अमूमन रहता है ये 8% के करीब। तो हमारे इंडिया वाले बहुत ज़बरदस्त रेट देते हैं बॉन्ड्स पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 8, और ये वाई जो आप नीचे देख रहे हैं जिससे कि हम डिवाइड करते हैं ओवरऑल, तो ये क्या है, प्रिवेलिंग बॉन्ड रेट। ये होता क्या है दोस्तों, एवरेज ट्रिपल ए कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड जो होती है भारत की ओवरऑल, वो इस्तेमाल करते हैं हम, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 9%, क्योंकि एवरेज जो यील्ड है भारत की वो 9% के आसपास है। ठीक है, अब इसमें डिटेल में मत जाइए, आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम इस स्टॉक से, हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई ओवरऑल जो प्राइस है इसका, मार्केट प्राइस 461 का, तो इसकी ओवरऑल फंडामेंटल के हिसाब से जो इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ रही है इस फॉर्मूला के हिसाब से, वो क्या निकल के आ रही है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस स्टॉक के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर हमारा यहाँ पे रहेगा 19.57 के आसपास, और वहीं पे ग्रोथ रेट जो हम लेंगे यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे 3 साल का है, हम 5 साल का यहाँ पे 12 के आसपास ग्रोथ रेट लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो वाई है, वाई को हम लेते हैं यहाँ पे 9%। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू एक्चुअल में क्या है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ रेट हमारा रहेगा 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 से, और इस पे हम जोड़ेंगे 7, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 25, और 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अर्निंग पर शेयर यानी कि 19.57, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है 3914, इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है दोस्तों 434 रुपए की वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं 434 रुपए की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी कि जो ट्रू वैल्यू होती है किसी भी स्टॉक की। इस पर्सपेक्टिव में जो ये स्टॉक है भाई महाशय 461 रुपए पे मार्केट में मिल रहे हैं,
इसकी जो असली औकात है वो 434 रुपए की है। तो इस स्टॉक के अगर मैं 434 रुपए दे दूं, 434 पे इसको बाय करूं, तो ये मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा एक फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है दोस्तों, जो हमने एग्जाम्पल में ले रखा है, और जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रही है वो 434 रुपए यहाँ पे निकल के आ रही है, और जो इसका करंट प्राइस है वो 461 रुपए के आसपास है। तो ठीक है दोस्तों, आप भी एक स्टॉक लीजिए, उस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू और ग्राहम नंबर दोनों कैलकुलेट करिए दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी जो वैल्यूएशन है, कैलकुलेशन है, वो सटीक निकल के आ रही है नहीं। और यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको क्लियरली बता दूं कि भाई ग्राहम नंबर और इंट्रिंसिक वैल्यू जो ये आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी स्टॉक के लिए, एकमात्र डिसीजन नहीं होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग आपका ये कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए इस स्टॉक में निवेश करने का। जैसे कि आप देख सकते हैं 461, तो आप कहेंगे कि भाई 461 के लिए यहाँ पे ग्राहम नंबर निकल के आता है 381 के आसपास और इंट्रिंसिक वैल्यू 430 के आसपास निकल के आ रही, तो इसमें मैं निवेश करूंगा ही नहीं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने आपने देखा यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है, हम एक तरह से यहाँ पे अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई फ्यूचर में ग्रोथ रेट क्या रह सकती है। तो ये हमें किसी को नहीं मालूम है भैया फ्यूचर में ग्रोथ रेट 12% रहेगी या 20% रहेगी या 8% रहेगी। और साथ ही साथ आप ये जो वाई देख रहे हैं यहाँ पे, ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स की यील्ड हमने इस्तेमाल करी है, और साथ ही साथ आप देखते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज इन ग्रोथ रेट इन इंडिया, तो ये आज 1.5 है, कल को कुछ चेंज हो सकती है। तो ये एक हमारी कैलकुलेशन है इसको समझने के लिए कि भाई जो एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक की क्या हो सकती है, और इसके हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए कि भाई इस स्टॉक में हमें फर्दर एडिशन या फर्दर SIP कैसे करनी चाहिए स्ट्रेटेजिक बाइंग प्लान के तहत, वो हमें एक डिसीजन लेना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं अपने वीडियोस में, टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल जरूर करिए, और टेक्निकल एनालिसिस के इस्तेमाल के साथ साथ आप देखिए कि भाई आपको किस प्राइस पे कितने स्टॉक्स की बाइंग करनी है इस कंपनी में या किसी भी कंपनी में जिसमें आप निवेश कर रहे हों। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे भाई ग्राहम नंबर क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। और वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।